ऊपर का धुआं देखो, कानों से आवाज जा नहीं रही अभी भी। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अनदर व्लॉग। गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, आपकी डिमांडेबल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि टेस्टिंग की वीडियो बनाओ। ठीक है, इस वीडियो को हम प्रॉपर टेस्टिंग करने वाले हैं बेकर्स की। ठीक है, एंड फुल डिटेल देने वाले, जो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कहाँ से आपने खरीदे बॉम्ब। ठीक है, प्रॉपर डिटेल देने वाले इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को प्रॉपर जरिए फटाफट लाइक कर देना, नीचे रेड कलर बटन को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फुली शेयर करना है भाइयों में। ठीक है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, इसलिए हम टेस्टिंग करके दिखा रहे। काफी लोगों को ये होता है कि यार कौन से मैं बॉम्ब खरीदूं, क्योंकि हमने प्रॉपर डिटेल देंगे इस वीडियो के अंदर। एंड चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। ओके, सो गाइस सीन ऐसा है कि गाइस मैं स्टेडियम में आ चुका हूँ, ठीक है, वीडियो को शूट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं रोड पे शूट करता था तो काफी लोग डिस्टर्ब होता है, मैं इसलिए भाई एक बार स्टेडियम दिखाओ कहाँ पे आए हुए हो। एंड गाइस हमारे पास फुल क्रैकर्स हैं, ठीक है, जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक बार पन्नी दिखाओ एक बार, कौन कौन से हमारे पास क्रैकर्स हैं। एंड जैसे कि गाइस हमारे पास पन्नी के अंदर बहुत तरह के क्रैकर्स रखे हैं, आपको मैं प्रॉपर डिटेल देने वाले। ये हमारे पास रॉकेट हो गया, रॉकेट के बाद हमारा ये छोटा वाला अनार है। ठीक है, एंड गाइस हमारे पास क्लासिक ग्रीन हो गया, जो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्लासिक ग्रीन के ऊपर भाई टेस्टिंग करके दिखाओ। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास जो भी क्रैकर्स है, अब के मैंने हटके कोई और क्रैकर्स खरीद के लाए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा होगा क्लासिक बॉम्ब के नाम से। ठीक है, जो आपने बताया था मैंने कि हल्क वाला, और गाइज हमारे पास होगा एक किटकैट वाला। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि इसके मैं चटर पटर वाली। ठीक है, ये हमारा होगा पोगो बुलेट के नाम से। ठीक है, पोगो बुलेट फ्लैश के नाम से। ठीक है, ये हमारा ये वाला होगा किटकैट वाला। ठीक है, ये किटकैट वाला ही, पर ये दो, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। ठीक है गाइज, ढोलक बॉम्ब देख सकते हो, ये हल्क में। ठीक है, स्काई शॉट टू साउंड, हाँ टू साउंड वाला हमारा ये स्काई शॉट होगा। ठीक है, ये वाला। वैसे हमारा कितने का पड़ गया था भाई, ये भाई 25 का पड़ेगा, पूरा 25 का है, मतलब पर पीस कितने का है वैसे? पर पीस 5 रुपये, 5 रुपये में पड़ेगा। ठीक है भाई, देख सकते हो गाइस ये 5 रुपये का पड़ गया हमको। एंड गाइस हमारे पास आ गया ये हाइड्रो। ठीक है, छोटा वाला हाइड्रो आ गया, इसको भाई खोल के दिखाओ, खोल दो एक बार। ये हमारा छोटा वाला हाइड्रो होगा, ठीक है, छोटा बुलेट। और अपना तो ये छोटा वाला पुराना वाला चलता ही आ रहा है, ये अपना मुर्गा छाप, इसको तो हम लास्ट में चलेंगे। अब एक एक करके सारे बम में से सारे को टेस्टिंग करके देखेंगे कौन सा बम कौन सा खतरी वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ढोला बम जो हमको सबसे पहले खतरनाक लग रहा है, पर उसको हम पहले यूज़ नहीं करने वाले, छोटे वाले यूज़ करेंगे, लास्ट में होगी खतरी बीटी है। एंड प्रॉपर हम बताएंगे कौन सा बम हमने कितने का खरीदा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पूछ रहे थे कि भाई कौन सा बम कहाँ से लाया, कौन सी जगह पर लाया, प्रॉपर हम डिटेल देने वाले इस वीडियो। आपको मैं प्रॉपर रेट बता देता हूँ कौन सा बम मैंने कितने का खरीदा। सबसे पहले भाई मेरे को ये बताओ, मिनी परी कितने का मिला है वैसे? भाई ये 100 का पूरा पीस है, 20 रुपीज़ का पर पीस है। अच्छा, मतलब पर पीस हमारा 20 रुपये का पड़ेगा, और फुल बॉक्स कितने का पड़ जाएगा? 100 रुपये का पड़ जाएगा। एंड गाइस देख सकते हो इसके कितने पीस आए, इसके 5 पीस हैं, इसके अंदर 5 पीस है। ठीक है, ये हमको कितने का पड़ना है? 100 रुपीज़ का फुल पीस। फुल पीस है, बस सस्ता दे रहे हो वैसे। एंड देख सकते हो ये हमारा हो गया आर एन कंपनी का 555 ढोलक बम। ठीक है, ये हमारा कितने का पड़ा भाई, खोल के दिखाओ इसको, पर पीस बताओ पहले। 8 रुपीज़ पर पीस है ये। 8 रुपये, ओहो 8 रुपये हमारा पर पीस है। और वैसे फुल बॉक्स कितने का पड़ जाएगा? 80 रुपीज़ का है। ओके, एंड इसको किटकैट है, फुल पीस है। अच्छा, 20 रुपीज़ का। देखा ये हमारा पूरा बॉक्स हमारा 20 रुपये का पड़ जाएगा, और ये तो हमारा छोटे वाला था, और ये वाला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला किट 30 रुपीज़ का पूरा, 3 रुपीज़ का पर पीस है। 3 रुपये का एक पर पीस पड़ेगा, और वैसे 30 रुपये का है। इसके पीस कितने हैं इसके अंदर? 10 पीस हैं इसके, 10 पीस हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड गाइज हमारे पास ये हमारा ये तो अपना 10 रुपये का आ जाएगा, 10 रुपये का हो गया। ठीक है, मुर्गा छाप अपना। एंड ये हमारा देख सकते हो पोगो प्लस हो गया। ठीक है, जो आपने मेरे को दिखा बताया था, ये कितने का पड़ेगा? 50 रुपीज़ का है पूरा। अच्छा, 50 रुपये का पूरा है, 5 रुपीज़ पर पीस, 50 रुपये। ठीक है गाइज, एंड हमारे पास ये बताओ ये गणेश जी, ये 25 के 5 शॉट्स हैं, ये 5 रुपये का एक है। अच्छा, 5 रुपये का। इसके अंदर टू टू साउंड है, पहले नीचे बैठेगा फिर स्काई शॉट की तरफ ऊपर जाएगा बैठेगा। ओके ठीक है, एंड और ये वाला कौन सा हमारे पास? ये 8 रुपीज़ का पर पीस है, पर पीस हमारा 8 रुपये का पड़ जाएगा। देख सकते हो गाइस कितना सस्ता है। ठीक है, एंड इसका फुल बॉक्स हमारा कितने का पड़ जाएगा? 80 रुपये का फुल बॉक्स पड़ जाएगा। ये हमारा होगा हाइड्रो का। ठीक है, हाइड्रोफॉल के नाम से हमारे, देख सकते हो गाइस, और देख सकते हो हमारी एक्टर नहीं छप रही यहाँ पे।
एंड यहाँ पे देखो गाइस, ये हाइड्रोफोन ग्रीन है, ये हमारी सूत्री बम है, ठीक है गाइस, ये हमारी सूत्री बम है। पर पीस कितने का पड़ेगा हमको? पर पीस 10 रुपीज का, 10 रुपए का, बहुत सस्ता देख सकते हो, पर पीस हमें 10 रुपए का पड़ेगा। ओके, और फिर यहाँ पे इसका दिखाओ, इसका हमारे क्लासिक बॉम्ब के नाम से, ये हमारा हो गया गोरिल्ला, अपना गोरिल्ला हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा कुंफू का, 10 रुपीज पर पीस है, ये कम से कम 2 मिनट तक चलेगा। एंड गाइज, मैंने तो ये सबसे पहली बार देखा, क्योंकि अब से मैंने बम चला के आया हूँ, पर ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है। चटर मटर है, अच्छा चटर मटर है ये, और इसका नाम ही देख सकते हो गाइज, चाइना का, बस चाइना का बोलेगा कुंफू को नाम से। इसको भाई ढंग से रख दो, इसको चला के देखेंगे हम एक एक पीस। ये तो हमारा होगा, यहाँ पर आगे हाइड्रोफॉइल्स अगेन, एंड ये 120 का है पूरा। अच्छा, 120 रुपए का हमारा पूरा बॉक्स पड़ जाएगा, और पर पीस कितने का पड़ेगा? 12 रुपीज का पर पीस है, 12 रुपए का पर पीस, ठीक है। और इसका नाम बताओ एक बार, इसका क्लासिक ग्रीन के नाम से, इसको हमें एक पड़ जाएगा 120। ओके, ये स्मॉल रॉकेट हमारे पास ये आगे स्मॉल रॉकेट, ठीक है, का पूरा पीस है, और 5 रुपीज का पर पीस, हमारा ठीक है। और ये रॉकेट हो गया हमारा, इसके लिए बोतल तो यूज़ करनी पड़ेगी यार, बिना बोतल के चलेगा नहीं है ना, ये चल जाएगा। अच्छा, ये वैसे कितने का पड़ रहा है पर पीस हमारा? ये पर पीस 5 रुपीज का, और पूरा पीस लेते हो तो ये 50 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है गाइस। और देख सकते हो इसका थोड़ा आउटर लुक, देख सकते हो इसका रॉकेट बॉम्ब के नाम से, ठीक है, देख सकते हो यहाँ चेकआउट गाइस। आपको मैंने प्रॉपर डिटेल दे दी है कौन सा बम कितने का पड़ा है, ठीक है। ये वाले बम हमारे प्रॉपर में एक एक करके पूरा शॉट करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कौन सा बम कौन सा धमाकेदार है, ठीक है, मतलब धुआं उठा देंगे इस वीडियो के अंदर ना भाई, क्या कर देंगे? बिल्कुल भाई, धुआं उठेगा पूरा। हाँ भाई, धुआं उठा देंगे हम, ये इसको चेक करेंगे क्लासिक बम के नाम से, ठीक है। इसका हम पर पीस ले लेते हैं, इसको यूज करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारा उथली बम है, ठीक है, मैच बॉक्स दे दो मेरे को, ठीक है। ये हमारा मैच बॉक्स हो गया, अब इसको टेस्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है, दूर में जाके, वहाँ पे दूर जाके करेंगे, आ जाओ। एंड गाइस, हमारे पास ये हो गया, ठीक है, इसको हम पहला शूट हमारा ये होगा, पहले इसको इसकी बत्ती ले लेते हैं। ओ भैया, इसकी तो बत्ती टूट गई, एंड इसको हम लगा के जा रहे हैं। गाइस देख सकते हो इसकी आवाज एकदम भाई, क्या ऊपर का धुआं देखो, पूरा मतलब धुआं उठा दिया इसमें, इस बम ने क्या कर दिया अभी भाई, धमाका इतना था कि मेरे कानों से आवाज जा नहीं रही है अभी। हाँ। भाई कान खराब हो गए भाई के कान खराब हो गए। एंड गाइस, हमने पहला वाला तो बम उठा चुके हैं, उसका रिएक्शन आपने देख लिया होगा क्या रिएक्शन है, ठीक है। एंड हमारा होगा मनी पीरी का, ठीक है, फ्लावर पॉट के नाम से, इसका हमारा ये होगा छोटा, कौन सा वाला है, छोटा नार होगा, ठीक है। इसको चला के देखेंगे, इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने अना ले चुके हैं, ठीक है, इसको पहले जला लेते हैं। और पहले ना गाइस एक चीज ध्यान रखो करो, इसको जो ऊपर से पन्नी से होती है इसको हटा ले जाओ, ठीक है, जब भी यहाँ चल पाएगा ये, इसको पहले कर लेते हैं अपना। गाइस इसके रिएक्शन क्या थे भाई? भाई एकदम ऑसम पटाखा था भाई। एंड ये हमारा कौन सा था, टू साउंड वाला, ठीक है, टू साउंड वाला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको यूज़ करके देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है, ठीक है। इसकी पहले पत्ती छीन, इसको जला के देखते हैं। ओ भाई, टू साउंड था यार ना ये टू साउंड में इतना ज़्यादा खास नहीं था वैसे। खास नहीं ना, ऐसा होगा कि 50 फीट तक जाएगा। अच्छा 50 फीट तक, वैसे कहाँ 50 फीट भी कहाँ नहीं गया है। अरे भाई गया होगा, ऊपर कैमरा नहीं पहुँचा ना। हाँ, हमारा कैमरा के अंदर शूट नहीं हो पाया, ठीक है गाइज, वैसे हमारे 50 फीट तक पहुँचा है, ठीक है, टू साउंड वाला, ठीक है। एंड हमारा दूसरा वाला बुलेट फ्लैश ही है आपका। एंड गाइज, हमारा हो गया पोगो प्लस, ठीक है, पोगो बुलेट के नाम से, ठीक है। अब इसको यूज करके देखते हैं, हमारा लास्ट बम है या सेकंड और भी है? लास्ट और ये रह रहे हैं, बस ये टू आइटम्स और रह रहे हैं हमारे। गाइज, हमने मैंने सारे बम यूज कर चुके हैं अंदर वाले, ठीक है। एंड अगला जो हमारा आ गया पोगो वाला, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे रॉकेट, और अपना हो गया ये मुर्गी बम बर्गर, ठीक है। इसको यूज करके देखते हैं, इसमें से ले लेते हैं एक, हमने ले लिया चेकआउट मारने के लिए, ये हमारा कर लेते हैं भाई, हमारे ये बुलेट हो गया, ठीक है। भाई इसने तो भाई धुआं,
क्या हुआ इसका मतलब? भाई मेरा माथा फोड़ दिया भाई माथा मतलब इस बम ने तेरा माथा फोड़ दिया है भाई ओ भाई भाई का भाई माथा फूट गया इस बम से भाई, इतना दूर बम था तुम नहीं बताओ आ कैसे गए? पता नहीं भाई, इतनी मतलब बम भी छोटा था, धमाल पूरा था इसका। हाँ भाई मतलब कि इसका रिएक्शन होना चाहिए, ओ माय गॉड। देवा सर एक नंबर बम था, बिल्कुल पूरी आवाज पूरे ग्राउंड में आवाज हो गई थी। हाँ भाई भाई सारी सारे लोगों के रिएक्शन भाई अलग ही अलग आ रहे हैं। लास्ट सेकंड हमारा ये बम होगा, ठीक है, ये हमारा मुर्गी बम होगा, ठीक है। हमने वैसे अनार तो यूज़ करा था ना वैसे, अनार कर लिया। और वैसे हमने सारे बम यूज़ कर चुके हैं, वैसे दिखाना भाई एक बार चेकआउट मार लेते हैं आपके, ये रह चुके हैं ठीक है, हमारा रॉकेट रहेगा और ये रहेगा, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना ये बम, इसको हम यूज करके देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होते हैं। काफी लोगों ने तो यूज करे भाई 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 गाइस, इसके रिएक्शन आपने देख चुके हैं कैसा था, ठीक है। लास्ट हमारा बम ये होगा रॉकेट, ठीक है। रॉकेट बम के बाद हमारी वीडियो शूट हो गए, एंड वीडियो को लाइक करना के कैसे लगे आपको, मतलब कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्यों नहीं करना। एंड गाइस हमारा लास्ट रिएक्शन हमारा होना चाहिए रॉकेट पे होने वाला है, ठीक है। इसका रिएक्शन देखते हैं भाई, क्या रिएक्शन होता है इस रॉकेट का और कितने ऊपर जाके, मतलब स्प्रिंकल है इसके अंदर भाई? स्प्रिंकल नहीं है भाई, स्प्रिंकल नहीं है, खाली रॉकेट है ना विदाउट, ठीक है। एंड इसको यूज करके देखते हैं कितने ऊपर जाता है। एंड ये हमने मट्टी के अंदर रख लिया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मट्टी थी इसके अंदर रख लिया, बोतल हमारे पास मिली नहीं थी इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। इसको ओ भाई भाई ये तो हो गया भाई, भाई ये तो गायब हो गए यहीं पे। क्रैकर्स लाए थे हम, कौन सी कहाँ से लाए थे हम वैसे? दिल्ली से। हमने सारे जो गाइस हमने जो भी पटाखे खरीदे ना, हम सारे दिल्ली से खरीदे, ठीक है। जो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, सारे हमने क्रैकर्स दिल्ली से खरीदे थे, होल सेल में लिए थे ना हमने। हमने कितनी पेटी ली थी वैसे करीब? हम 5 पेटी, हमारे 5 पेटी ली थी, 2 पेटी की तो हमने वीडियो बना चुके हैं। और अभी जो अगली जो नई 2 पेटी थी उसके अंदर से मैंने क्रैकर्स से लगा के जब टेस्टिंग करी है, ठीक है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे मैं क्या बोलूँ रे। एंड गाइस इसी वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना फटाफट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने के लिए। काफी भाइयों ने मेरे संग मेहनत भी करी है, जैसे कि अपने भाइयों के ऋतिक भाई, भाई ने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा भाई, ये भाई सारी वीडियो हमारी यही इसने बनाई थी। पिछली वीडियो आपने देखी भी होगी जिसके अंदर मैंने बताया कि क्रैकर्स के रेट कितने कितने के मिल सकते हैं, इसी भाई ने हमारा शूट करवाया था। और हमारे सारे भाई यहाँ पे सामने खड़े हैं, ठीक है, ये अपने सबसे बड़ा भाई है जिसने हमें प्रॉपर डिटेल दी है कि कौन सा हम कितने का मिल सकता है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। एंड हमारे सारे सामने सारे भाई हो गए जिन्होंने हमें सपोर्ट करा है, ठीक है, लाइक करेंगे। क्या करना है भाई, क्या करना बता दे, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर भाई। हाँ पूरा ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए भाई। इस वीडियो पे 500 लाइक तो जरूर बनती है, क्योंकि इस वीडियो का प्रॉपर शेयर कर देना, फैला दो भाई अपने दोस्तों में, ठीक है, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराना, 400-500 सब्सक्राइबर अभी चाहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड है पर मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। एंड गाइस मिलते हैं अगली ब्लॉग में, एंड टिल देन आई लव यू ऑल गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, एंड बाय गाइस।